हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं एक फार्मेसी स्टूडेंट हूँ और आज हम बात करेंगे एरिस्टोजाइम के बारे में। ये रहा जो मेरे हाथ में एरिस्टोजाइम का बोतल, जो कि एक एरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट दो तरह के होते हैं, जैसे एक डाइटेज है और दूसरा पेप्सिन है, या डाइटेज एंड पेप्सिन लिक्विड। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी खाना पचता नहीं है और पेट लगता है पूरा भारी भारी जैसा, और गैस का प्रॉब्लम भी होता है। दोस्तों, इसका कारण है ये कि एक तो कारण ये हो सकता है और दूसरा भी कारण हो सकता है कि मतलब कि जैसे पेट में जो एंजाइम सिक्रीट होना चाहिए वो सिक्रीट अच्छा तरीका से नहीं हो रहा है, या फिर अच्छी मात्रा में सिक्रीट नहीं हो रहा है। इसके वजह से हमको ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। लेकिन जो ये बाहर से डाइटेज और पेप्सिन है, ये ले सकते हैं इस कंडीशन में, जब हमको मतलब कि लगता है कि पेट में अच्छा से खाना पच नहीं रहा है और पेट भारी भारी जैसा लगता है, इसको ले सकते हैं। इसमें जो डाइटेज है, ये कार्बोहाइड्रेट जो हम अपने खाने में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। और ये जो पेप्सिन है, ये प्रोटीन को छोटे फॉर्म में कर देता है और उसको डाइजेस्ट करता है। असल में जो पेप्सिन है, आगे चलकर HCl के कॉन्टैक्ट में आते ही पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद में अपना ये एक्टिविटी शो करेगा। सो गाइस, ये हम अपने मतलब कि जैसे अच्छा से जब खाना पचेगा नहीं, अच्छा से भूख नहीं लगेगा, तो हम खाना नहीं खाएंगे, और खाना जब नहीं खाएंगे तो अच्छा से हमारी बॉडी बिल्डअप नहीं हो पाएगी, और इस कंडीशन में हम इसको ले सकते हैं। लेकिन एज अ फार्मासिस्ट मैं इसे ऐसे ही रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक से एक बार डॉक्टर से सलाह नहीं लेने के बाद में एक बार डॉक्टर से सलाह लेने के बाद में ही इसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या प्रॉब्लम है ये मैं नहीं जानता और ये आप भी नहीं जानते। इसलिए एक बार आप डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद में इस दवा का या फिर कोई भी दवा का यूज करें। धन्यवाद।